नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और आज फिर से हम आ चुके हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन। YouTube में बहुत ही प्यारा भरा कमेंट आया था अयोध्या प्रसाद जी का, और भाई मैं आपका दिल से स्वागत करना चाहूँगा कमेंट करने के लिए। तो आपका जो सवाल था, आप पहली बार बिलासपुर आए हैं और आपको बस स्टैंड जानना था कि बस स्टैंड कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ लॉकडाउन के बाद से सरकारी बस सेवा जो है वो है बंद हो चुकी है, और यहाँ का जो नया बस स्टैंड है वो है तिफरा में, और स्टेशन से तिफरा काफ़ी दूर है। तो मैं आपको आज लेकर चलूँगा तिफरा नया बस स्टैंड, और कहना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो बनाने के लिए मुझे बोलते हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वो एरिया सार्वजनिक हो, प्राइवेट सेक्टर ना हो, क्योंकि मैं कोई भी प्राइवेट सेक्टर का वीडियो नहीं बना सकता, सार्वजनिक एरिया का ही वीडियो बना सकता हूँ। तो आप ऐसे ही कमेंट करें जिसका मैं वीडियो आपको बना कर शेयर कर सकूँ, और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। आप सबका मेरे चैनल में दिल से ही स्वागत रहेगा, आपका ही चैनल है। तो यही था, आज बताना जरूरी था कि आप जो वीडियो बनाने बोले वो प्राइवेट सेक्टर ना हो, सार्वजनिक एरिया हो, मैं उसका वीडियो पूरा पूरा आपको बनाकर शेयर करूंगा। तो चलिए आज चलते हैं तिफरा बस स्टैंड, जो बिलासपुर के सबसे नए बस स्टैंड में है, और बिलासपुर स्टेशन से काफ़ी दूर है, काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता, मैं भी नहीं जानता था, इसलिए मैं भी सोचा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, देर किस बात की, तिफरा बस स्टैंड। फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं तिफरा बस स्टैंड, बोला जाए तो बिलासपुर का नया बस स्टैंड जो तिफरा में है। तो स्क्रीन में मैं डाल दूंगा कितने किलोमीटर है, और कहना चाहूँगा कि स्टेशन से आप तिफरा बस स्टैंड आते हैं
तो आपको मेरे हिसाब से 60 या 50 या उससे भी ज़्यादा रुपए देकर ऑटो में आना पड़ सकता है। तो वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, वीडियो आपको कैसा लगा मेरा आज का, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी नए चीज़ आपको जानना है बिलासपुर के बारे में प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर, तो इसकी वीडियो मैं आप तक शेयर ज़रूर करूँगा, वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा, और जो चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बिलासपुर की ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, देश की जान इंडियन आर्मी।